पाकिस्तान में एक सिख लड़की का जबरदस्त धर्म परिवर्तन और निकाह मामले में हिंदुस्तान का दबाव अब काम आया है। इस मामले में पाकिस्तान पुलिस ने 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। इससे पहले भारत में जहां सिख संगठन इस मामले के खिलाफ खुलकर नाराजगी जता रहे थे, तो वहीं पाकिस्तान में आरोपी पक्ष ने एक वीडियो जारी कर लड़की के निकाह को आपसी रजामंदी दिखाने की कोशिश की। खबर है कि लड़की ने वीडियो में दबाव में हां की है। लड़की पक्ष की माने तो आरोपियों ने बंदूक की नोक पर उनकी बेटी का अपहरण किया और धर्म परिवर्तन के बाद जबरदस्ती उसका निकाह करा दिया। आयशा दुख्तर भगवान सिंह के साथ 50,000 रुपए हक मेर गैर मुअज्जल और 5,000 रुपए हक मेर मुअज्जल के बस निकाह कर दें कबूल है। वैसे हिंदुस्तान के दबाव के बाद पाकिस्तानी पुलिस की अकल ठिकाने आई और इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर पीड़ित लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जो कि वहाँ के हेड ग्रंथी साहब, उनकी बच्ची है। हमने आज विदेश मंत्रालय में अभी ये मुलाकात की और उनको ये जानकारी दी। हमने उनको एक पत्र भी दिया जिसमें हमने बताया कि किस तरह वहाँ सिखों की दुर्दशा की जा रही है। बेटी के पिता भगवंत सिंह जी ने, बेटी के भाई मनमोहन सिंह जी से मैंने व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की। दोनों ने मुझे बताया कि हमारे साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। हमारी बेटी को घर से अर्ली मॉर्निंग अगवा करके ले गए, किडनैप करके ले गए। उसको ये कहकर धमकाया गया कि ये तेरे पिता को और तेरे भाई को मार दिया जाएगा। तो इस मामले में पाकिस्तान दूतावास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को शर्मनाक करार दिया। पाकिस्तान सरकार जिस तरह से दोगली नीति चल रही है, वो एक तरफ से सिखों को कह रही है यहाँ पर आइए 550 गुरु नानक देव जी के मनाइए, और दूसरी तरफ से सिख बेटियों को उठाया जा रहा है, वहाँ पर उनसे जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनसे निगाह कराया जा रहा है। ये जो आज ये हरकत हुई है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। अगर कोई भी घटना थी तो पाकिस्तान सरकार ने उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं उसके जल्दी में, जब उनके परिवार ने पूरी अपील की, यहाँ तक के पूरे दुनिया में वो अपील चली गई, तब अब पाकिस्तान सरकार थोड़ी बहुत जागी है मगर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। ये पहली बार नहीं ऐसी घटना हुई, पाकिस्तान में पहले भी ऐसी घटना होती रही है। जिस प्रकार अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार या वहाँ की जो बेटियाँ हैं उनके ऊपर ऐसी हरकतें होती रही हैं, मगर पाकिस्तान सरकार आंखें मूंदी बैठी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की यही नीतियां जो हैं देश के बहुत खिलाफ है, जिसमें ये लगता है पाकिस्तान हमेशा इस प्रकार की नीति करके अपने जो आतंकवाद मुहिम है उसको छुपाना चाहता है। सूत्रों ने बताया कि जिस मोहम्मद हसन ने पीड़ित सिख लड़की का निकाह कराया था, वो मुंबई हमलों के गुनाहगार हाफिज सईद के संगठन जमात उल दावा का सदस्य है। लड़की के पिता ननकाना साहिब के गुरुद्वारा तंबू साहिब में मुख्य ग्रंथी हैं। पिता ने अपनी शिकायत में कहा है कि 27 अगस्त की रात कुछ हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर उनकी 19 साल की बेटी जगजीत कौर को अगवा कर लिया था। उन्होंने हमारी छोटी बहन को सीट के ले गए और उनको जबरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। वैसे लड़की के साथ हुई इस घटना पर पाकिस्तान में भी विरोध जताया जा रहा है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए कमल कंसल की रिपोर्ट।